लॉकडाउन 3 का आज का दूसरा दिन है। 3 तारीख तक के सेकंड लॉकडाउन था और अब यहाँ वहाँ से तीसरा लॉकडाउन उसके बाद में 4 मई से शुरू हो गया है। लोगों को अभी भी आने जाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से कुछ मजदूर योजनाएं ट्रेन और कुछ स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है, जिसके चलते हम मलकापुर स्टेशन पर अभी मौजूद है। हम यहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछेंगे कि स्पेशल ट्रेन का कोई स्टॉपेज का आदेश आया हुआ है और कब तक के इन्हें ट्रेन स्टॉपेज का आदेश आया हुआ है, तो हम जानेंगे स्टेशन मैनेजर से कुछ इन्फॉर्मेशन रेलवे के बारे में। महाराष्ट्र के मलकापुर रेलवे स्टेशन से संवाददाता मोहम्मद वसीम ने एक रिपोर्ट भेजी है, जो लॉकडाउन फेज 3 में मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए अहम निर्णय के बाद स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद वसीम ने SD सक्सेना डिप्टी SS मलकापुर रेलवे स्टेशन से बात की, आइए देखते उन्होंने क्या कहा। जहाँ तक मजदूर स्पेशल गाड़ियों को चलाने का सवाल है, ये गाड़ियाँ मलकापुर स्टेशन पे इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, इस बारे में हमको ऐसी सूचना दी गई है। और जहाँ तक रेगुलर गाड़ियों का चलने का सवाल है, तो लॉकडाउन पीरियड हमारा 17 मई को ख़त्म हो रहा है, तो 17 मई तक तो कोई रेगुलर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफिस भी 17 मई तक कम्प्लीट बंद है। तो आपने सुना कि SD सक्सेना डिप्टी SS मलकापुर रेलवे स्टेशन ने बताया कि 17 मई तक रेलवे स्टेशन की सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी और सभी रिजर्वेशन टिकट ऑफिस भी बंद रहेंगे और स्टेशन पर हर तरह की साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। वहां पर रेलवे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रख रहे हैं। ST संवाददाता ने बुलडाना जिले में स्थित मलकापुर स्टेशन और बस स्टैंड का लॉकडाउन के अधिक बढ़ाए जाने के बाद जायजा लिया। गौरतलब है कि मलकापुर को विदर्भ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यहां लिहाजा 3 मई के बाद लॉकडाउन के दरमियान मलकापुर बस स्टैंड पर पूरी तरह छाया रहा सन्नाटा। ST बस स्टैंड पर सभी महामंडल की बसें कतार में खड़ी दिखाई दे रही थी। बता दें कि बस स्टैंड पर किसी भी तरह की वर्दी या भीड़ नजर नहीं आई। इस वक्त हम मलकापुर बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम स्टेशन जो प्रमुख है यहाँ का बस स्टैंड प्रमुख, इनसे ये जानकारी लेने के लिए आए थे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो लेबर योजना में लेबर लोगों के लिए सुविधा दी है ट्रैवलिंग की, क्या महामंडल की तरफ से कुछ इन्हें आदेश आया है या कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी आई है कि बस भी शुरू की जाए। तो हमें मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इन्होंने ये जानकारी दी है कि किसी भी किस्म की यहाँ पर बस 17 मई तक के शुरू नहीं होंगी और पूरी तरह से यहाँ पर बस स्टैंड खाली है। स्थानक प्रमुख का कहना ये है, उनकी की भी जानकारी के हिसाब से वो मुताबिक ये कहना है कि किसी भी किस्म की बस शुरू नहीं है, ना ही कोई लेबर स्पेशल शुरू है और ना ही कोई प्राइवेट या फिर प्रवासी बस शुरू की गई है। सिर्फ यहाँ पर लॉकडाउन है और 17 मई तक के पूरे बसेस बंद है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।